हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एग्जाम कंपटीशन। दोस्तों, हम बात करेंगे ICTS बिहार लेडी सुपरवाइज़र एवं आंगनवाड़ी। और जल्द से जल्द अपना जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको जल्द से जल्द तैयार कर लें, कहीं देर ना हो जाए, आप फंस सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही कॉल होगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बात करते हैं, सारी अपडेट्स मिलती रहेगी आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में, इसका कोई चार्ज नहीं है, बल्कि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। हमारा जो वीडियो अपडेट होगा वो आपको तुरंत पास में चला जाएगा, उसको बेल आइकन दबा लेंगे। तो वीडियो को यहाँ से लाइक कर दें, वीडियो को यहाँ से शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ICTS बिहार डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन लेडीज सुपरवाइजर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका रिजल्ट का बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो रिजल्ट जो है आपको अक्टूबर मंथ में ही आएगा आपका रिजल्ट। तो दोस्तों, रिजल्ट आने से पहले आप जो है कि इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप पास होकर भी, आप मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन में, अगर कोई दिक्कत होती है तो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका हाई स्कूल रहेगा, हाई स्कूल का मार्कशीट रहता है उसको ले लें आप, और इंटरमीडिएट जो मार्कशीट है उसको ले लें, और जो स्नातक है मतलब BA BSc जो भी आपका उसको ले लें। उसके अलावा अगर आपका पास पोस्ट ग्रेजुएशन MA है या और कोई डिप्लोमा है तो आप उसको ले लें। ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो इन चार डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेने हैं। और देखिए आगे की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल को एक लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन के बाद चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, सारी अपडेट्स मिलती रहेगी ICTS लेडी सुपरवाइज़र VR की तरफ से। ठीक दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन था, वो क्वालिफिकेशन आपका क्या, हाई स्कूल 10वीं 12वीं BA BSc जो भी आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन ये हो गया। और साथ में देखिए, आपके लिए ID मांगी जाएगी। ID वो होगी जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट है उससे मिलती जुलती, मतलब डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, नाम वही रहेगा, और जो कि पिता पति का नाम होगा वो सेम होना चाहिए, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर रहेगा वही चीज़। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड है, इन सब में भी वही नाम डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। फ़ोटो तो मतलब अलग से हो सकता है, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों में से अगर आपके पास एक है या दो है या किसी पर तीनों है तो तीनों लेकर जाएं वहाँ पे, जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन होगा, तीनों लेकर जाए। और दोस्तों देखिए, आपके जो कि सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो कास्ट मतलब कि जात प्रमाण पत्र रहना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। और ये जो है आपका लेटेस्ट बनवा लें या इसके पहले का ही है, 2019 का है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पुराना है तो आप नया इसको अपडेट करवा लें, बनवा लें। आपका जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इसको तैयार करवा लें। और दोस्तों, चार फोटो भी अपने साथ में लेकर जाएंगे जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होगा। और दोस्तों साथ में, अगर किसी के पास और भी डॉक्यूमेंट्स है या किसी कोई और भी डिग्री है तो उसको भी साथ लेकर जाएं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पे। दोस्तों, आपको एक काम बहुत ज़रूरी करना है, जो भी आप फॉर्म भरे होंगे आपको प्रिंट आउट मिला होगा, प्रिंट आउट का फॉर्म ज़रूर लेकर जाएं। जो प्रिंट आउट आपको मिला होगा कागज़, उसका फ़ोटो कॉपी करा लें और उसको भी लेकर जाएं साथ में। और दोस्तों, मैंने जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निर्वाचन कार्ड, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और इन सबों का फ़ोटो कॉपी करा लें। एक एक दो दो कॉपी लेकर तभी जाएँ, क्योंकि वहाँ पर एक एक दो दो कॉपी वहाँ पर जमा होता है, और आपको ओरिजिनल देख कर ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है, और एक एक कॉपी जमा कर लेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको ओरिजिनल दे देंगे और एक कॉपी ले लेंगे। तो दोस्तों, यही मैंने बताया आपको कि ICTS लेडी सुपरवाइज़र का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रिजल्ट की बहुत तेज़ी से इंतज़ार हो रहा है, इंतजार की घड़ी जो है बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। जैसे रिजल्ट आएगा वैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, बहुत ही कम समय बचा है आपके पास, और बहुत ही
कम समय में आपका रिजल्ट आने वाला है। इतना खुशखबरी में दे दूँगा, बहुत ही कम समय में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, नीचे दिए गए लाल बटन पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय जय भारत, वंदे मातरम। जैसे ही कोई RCDS लेडी सुपरवाइजर बिहार की तरफ से अपडेट आती है, मैं तुरंत अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।